जय श्री राम सभी को। आज हम बात करेंगे संरक्षण के बारे में, पौधों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार पौधों के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, उनसे क्या बेनिफिट्स हो सकता है। ज्योतिष के अंदर ज्योतिष आचार्य जो अलग अलग उपाय आपको बताते हैं, इन रंगों का आप इस्तेमाल करें, ये दान करें, उस मंदिर में जाएं, अमुक देवता की पूजा करें, लेकिन आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष के अनुसार एक ऐसे पौधे, मात्र पौधों को लगाने से अगर हम लगा नहीं सकते तो उनका संरक्षण करने से, उनको पानी देने से हमारे ग्रह की शुभता बढ़ती है और उनका कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। समय ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं कि जैसे 27 नक्षत्र है, 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं और उन्हीं के अनुसार ज्योतिष दृष्टि से बात करूं। वैसे मैंने ज्योतिष में पहले कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैंने पर्यावरण की महत्ता को देखते हुए ज्योतिष के इस सूत्र को बताने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आप इसे अपनाएंगे। आप नेट पर भी देख सकते हैं वीडियो, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो उस समय कोई न कोई नक्षत्र होता है, 28 नक्षत्र होते हैं। जन्म के समय जो नक्षत्र होता है, मान लो किसी बालक का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है या किसी भी कमजोर नक्षत्र के अंदर हुआ है, जिससे उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही है, उसके जीवन में दिक्कतें आ रही है, उसकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए आपको चयन करना होगा उसके जन्म नक्षत्र का पौधा कौन सा है। या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको कोई ग्रह बाधा आ रही है, तो सबसे पहले आप ये दिखवाइए कि किस ग्रह से आप पीड़ित हैं और बाद में उस ग्रह के पौधे का आप चयन कीजिए, वो पौधा आप लगाइए और या संरक्षित कीजिए। पहले लगाए हुए पौधों को पानी दीजिए। तो जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के दोष को दूर करने के लिए जब वो नक्षत्र आता है, देख लें, पंचांग से देख लें या पूछ लें, जब वो नक्षत्र आता है उस दिन ब्राह्मण है वो शांति करवाते हैं नक्षत्र की, तो जब वो नक्षत्र आए उस दिन आप उस नक्षत्र से संबंधित पौधे को खरीद करके अगर आप लगा देते हैं, वो पौधा बाद में खराब ना हो, उस पौधे को आप लगाएं, उसका संरक्षण करें, कम से कम 28 दिन तक, कम से कम 28 दिन तक वो ना जले। अगर कोई पौधा जल जाता है, किसी व्यक्ति को भी है कि यही कहीं खराब ना हो जाए, तो उसका जितना आप आगे संरक्षण करोगे, जितना जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा, उस नक्षत्र की पूरी तरह से शांति हो जाएगी और दोष दूर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि 27 नक्षत्र के वो पौधे कौन से हैं। और एक बात और कि इस प्रकार करने से, पौधे रोपने से पर्यावरण तो बचेगा ही, साथ में कुंडली में भी खराब ग्रह है, अगर वो बाधक बन रहा है तो उसकी बाधा दूर हो जाएगी। शास्त्र में हर ग्रह का, राशि का, नक्षत्र का वृक्ष बताया गया है और इसे लगाने से बहुत फायदा होता है। पुराने समय में ज्योतिष आचार्य ऐसा करते थे और ये एक नियम है ज्योतिष का, बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम है कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है उस नक्षत्र से रिलेटेड पौधे को हम ना खाएं, ना तोड़ें और ना ही उससे संबंधित औषधि ग्रहण करें, वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि पर आधारित है। तो इतना सूक्ष्म विज्ञान था ऋषियों का। आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम पौधे को लगाएं, कैसे हम नक्षत्र को देखें और अशुभ ग्रहों के प्रभाव को हम दूर करें। तो पौधे के बीच में और व्यक्ति की राशि के बीच में गहरा संबंध होता है और पौधारोपण करने से व्यक्ति की समस्याओं का निदान हो जाता है। जैसे मान लो तुलसी और पीपल की पूजा पितर दोष से राहत देती है, तो इन पौधों को अगर आप लगवाएं तो सोचिए आप कितनी राहत मिलेगी आपको। इसीलिए राजनीतिक स्थिरता के लिए पीपल किसका होता है, तो जो वृक्ष होते हैं उनको लगाने से हमारी महत्ता बढ़ती है। राजनीतिक लोग आपने देखा होगा कि विशाल वृक्ष लगवाते हैं, इनका पौधारोपण करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण रहा है।
जरूर किसी ने बताया होगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, और उनको ये बताया जाता है कि आप इसका पौधा लगाएं और उसी का वो रोपण करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये नक्षत्र अनुसार मैंने पौधों की लिस्ट दी है कि किसी बच्चे का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, अश्विनी नक्षत्र वो गणमूल नक्षत्र है, तो कोचिला का पौधा लगाएं। अगर ये सेम पौधा आपको नहीं मिलता है तो इससे संबंधित प्रजाति का जो बागवानी के लोग होते हैं वो बता देंगे, इसी प्रजाति का आप दूसरा पौधा लगा सकते हैं। भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आंवले का पौधा लगाएं, कृतिका में अगर जन्म हुआ है तो गुल्लर का पौधा लगाएं, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो जामुन का लगाएं, मृगशिरा में खेर का लगाएं, खेर की लकड़ी हम हवन में भी प्रयोग करते हैं, आर्द्रा नक्षत्र में है तो शीशम का लगाएं, पुनर्वसु में तो बांस, पुष्य नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ तो वो पीपल लगाएं, उसके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होगी। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म होता है तो नाग केसर का पौधा अगर आप लगाएं तो आपके जीवन में तरक्की होती है। तो इसी तरह क्रमवाइज 28 नक्षत्रों का आप देख लें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में किसी बालक का जन्म हुआ है तो उसे नीम लगाने की सलाह दी जाती है, और रेवती नक्षत्र में अगर जन्म होता है तो मऊवे का पौधा रोपण उसे करना चाहिए, इससे उसके संकटों का निवारण होता है। राशि के अनुसार पौधे देखिए, अगर मान लो आपको जन्म के नक्षत्र का पता नहीं है तो आपका नाम जो है उसकी राशि, मेष राशि अगर है तो आंवले का पौधा, वृषभ का जामुन, मिथुन है तो शीशम, कर्क है नाग केसर, पीपल व नाग चंपा का पौधा लगा सकते हैं, जिनकी सिंह राशि है वट वृक्ष का पौधा लगा सकते हैं, अशोक व पलाश का पौधा लगा सकते हैं, कन्या अगर किसी की राशि है तो जूही व बिल्वपत्र का पौधा लगा सकते हैं। इस प्रकार मकर जिसकी राशि है नारियल का पौधा, कुंभ जिसकी राशि है आम व कदम का, और मीन जिसकी राशि है वो बेर या नीम व मेहंदी का पौधा लगा सकते हैं। तो ग्रह के अनुसार हमें पौधारोपण करना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है। बहुत से लोग आते हैं कि हमारी कुंडली देखिए, तो ग्रह में पहले आप देखें कौन सा ग्रह वीक है, कमजोर है, उसके बाद में आप पौधे का चयन करें। जैसे मान लो कुंडली के अंदर आपका सूर्य कमजोर है, आप राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यानी सूर्य के अंडर में जितने भी कार्य आते हैं उन सब में अगर आप सफलता, जैसे सूर्य जो है वो देहक कारक भी है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का संचार होता है, आंखों की रोशनी का संचार होता है, इसका भी कारक सूर्य है, राजनीति का कारक सूर्य होता है, सरकारी योग का सूर्य कारक होता है, सफलता का कारक सूर्य होता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आप क्या करें, सूर्य का आक होता है अर्क, तो आप अर्क का पौधा यानी आक का पौधा लगा सकते हैं, और इसी प्रजाति का अगर आप सेम पौधा देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसी प्रजाति का कौन सा पौधा होगा। चंद्रमा अगर कमजोर है, आपके मन की स्थिति कमजोर है, आप मानसिक रूप से परेशान ज्यादा रहते हैं, घबराहट होती है, तो मान लीजिए कि आप चंद्रमा से पीड़ित है, कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर कमजोर होगा तो हमें पलाश का वृक्ष लगाना चाहिए। मंगल अगर हमारा कमजोर होता है, एलर्जी की शिकायत है खून के अंदर, मंगल शरीर के अंदर खून का कारक होता है, हमारे ब्लड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, गुस्से की ज्यादा प्रॉब्लम है, भूमि से हमें नुकसान हो रहा है, तो हमें मंगल का उपाय करना चाहिए, खैर खैर का वृक्ष लगाना चाहिए, अग्नि तत्व होता है उसमें मंगल का वृक्ष होता है। बुद्ध बौद्धिक शक्ति के लिए, विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, वाणी के लिए, इन दोषों को दूर करने के लिए बुध ग्रह का पौधा अपमार्ग लगाना चाहिए। गुरु का होता पीपल, बृहस्पति अगर हमारा कमजोर है तो उसके लिए क्या होता है, पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। तो गुरु हमारी इज्जत में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, धन में, इनका कारक होता है गुरु, गृहस्थ सुख का कारक होता है, इन सभी के लिए पीपल का वृक्ष। तो आपने सुना होगा जैसे कि हमारी माताएं क्या करती है, उनमें पीपल के वृक्ष में पानी डाल के आती है, क्यों डाल के आती है, कि गृहस्थ में सुख रहे, तो इससे गुरु शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार हम बात करें, इससे गुरु शुभ होता है, इसीलिए उसकी सेवा करते हैं। लेकिन अगर पीपल लगाया जाए तो उसकी महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है। शुक्र कमजोर है, किसी का विवाह में समस्याएं आ रही है,
संगीत है, वाणी की कला है, कला का कारक होता है शुक्र, तो गुल्लड़ का पौधा आप लगाएं, शनि शमी का वृक्ष होता है, खेजड़ी भी बोलते हैं जिसको, शमी का वृक्ष, राहु के लिए दुर्वा तूब लगवानी चाहिए हमें, और केतु के अनुसार कुशा का पौधा हमें लगवाना चाहिए। तो इस प्रकार हमें अपने राशि के अनुसार, ग्रह के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार पौधों का चयन करना चाहिए। और एक विशेष बात की, कुछ लोग शादी के अंदर लड़की वाले पौधे का दान करते हैं, तो ये बिना सोचा समझे और खुद की रीति आप ना बनाएं। पौधे का दान आप कर तो सकते हैं, लेकिन लेना आपके लिए भारी होता है, और वो भी कन्यादान के साथ आप पौधे का दान ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वर को पौधे खरीदने चाहिए और फिर वो पौधे लगा सकते हैं, या पौधे के एवज में वो कुछ उनको प्रदान करें, पौधे का दान नहीं ले, क्योंकि वर कितना कुछ बचाएगा। वर ने लिया है कन्या का दान, जो सात महादान के अंदर आता है, उसकी शुद्धि के लिए आप क्या करते हैं, उस दान को बचाने के लिए आप कितना कुछ दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते सामर्थ्य में। कन्या का दान आप लेते हैं, उसके साथ दहेज का दान आप लेते हैं, उसकी शुद्धि के लिए आज जैसे कोई गोदान करता ही नहीं है, ना उसकी एवज में कुछ इतना देता है, तो आपने कन्या दान लिया, आपने दहेज का दान लिया, वहां पर जो सेवा प्रतिष्ठा हुई, तो इतना दान लेने के बाद में भी आप उससे तो ऋण हो नहीं पाएंगे, वो ऋण तो आप चुका नहीं पाएंगे, और उसके साथ आप पौधों का दान और ले रहे हैं, तो ये मनगणत चीजें बना करके कि उसने शादी के अंदर पौधों का दान दिया, ऐसे आप ना करें। अच्छा होगा कि नवविवाहित युगल वर और वधु खरीद करके, वधु का प्रयोग नहीं करूंगा, जो पति पत्नी हैं वो पौधों को खरीद करके और उनको लगाएं, उनका रोपण करें, जो विवाहिक सुख को देने वाले हैं वो, या सातों ग्रह के पौधों का आप चयन कर सकते हैं, वो लगाएं तो अति श्रेष्ठ होगा। तो ये हमने कुछ जानकारी पौधों के बारे में दी, जिससे आप अपनी शुभता को दूर कर सकते हैं और पर्यावरण को बचा सकते हैं, बहुत बड़ी बात। प्रकृति का भी हमारे ऊपर ऋण होता है, जैसे कि शास्त्र में बताया गया है कि माँ बाप का हमारे ऊपर ऋण होता है, वो हमें चुकाना चाहिए, नहीं चुकाए तो हमें नेक्स्ट जन्म के अंदर हमें चुकाना पड़ता है नौकर आदि बन करके। गुरु का हमारे ऊपर ऋण होता है, गुरु का ऋण हमें चुकाना चाहिए, विद्या का अच्छे कार्य में प्रचार प्रसार करके गुरु का ऋण भी हमें चुकाना चाहिए। प्रकृति का हमारे ऊपर ऋण होता है, हम प्रकृति से सभी चीजें, अन्न आदि, बहुत से फल आदि वो प्रकृति से प्राप्त करते हैं, बेर भी अगर हम खाते हैं प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, पानी हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, धूप हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, तो जिससे भी हम कुछ प्राप्त करते हैं हम उसके ऋणी होते हैं। ये नहीं कि किसी से हमने कर्जा लिया, पैसा लिया, रुपया लिया तो हम उसके ऋणी नहीं, हम जिस भी सुविधा का प्रयोग करते हैं हम उसके ऋणी होते हैं, और हमें वो ऋण अवश्य चुकाना चाहिए। तो प्रकृति के हम सबसे बड़े ऋणी हैं, इतना उपयोग करते हैं, कागज का इतना प्रयोग करते हैं, कितने पेड़ कटते हैं, हर चीज के अंदर प्रकृति का नाश होता है। तो प्रकृति के ऋण से उऋण होने के लिए, ताकि आप उसके ऋण से उऋण हो जाए, शादी के मंत्रों में ऐसा बोला जाता है कि मैं प्रकृति के नियमों का पालन करूंगा, प्रकृति से उऋण होऊंगा, विवाह करके जैसे आप पितरों संतान पैदा करके पितरों के ऋण से आप उऋण हो जाते हैं, तो ये कई प्रकार के ऋण हैं, वो हम किसी अगली वीडियो में बताएंगे कितने ऋण होते हैं और उनसे कैसे मुक्त हुआ जाता है। तो प्रकृति के ऋण से मुक्त होने के लिए आप पौधे अवश्य लगाएं, इसकी आप शुरुआत करें, चाहे और कुछ आप दान आदि करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन बच्चे के जन्म के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के अंदर 16 संस्कार हैं, एक संस्कार के ऊपर अगर हम 5 पौधे लगाते हैं प्रति व्यक्ति, अगर ऐसा करने लग जाए, क्योंकि इस देश के अंदर सनातन धर्म को मानने वाले कितने लोग हैं, हर घर के अंदर 16 संस्कार होते हैं, 16 ना तो कम से कम 10 संस्कार होते हैं, 5 को छोड़ भी दिया जाए, और एक व्यक्ति 5 पौधे अगर लगाए एक संस्कार के ऊपर,
जन्म के ऊपर, मरण के ऊपर, विवाह पर, अगर पांच पौधे वो लगाता है, पांच पांच पौधे, तो ये धरती वापस खुशहाल हो जाएगी, पर्यावरण की रक्षा में हमारा सहयोग होगा और हम प्रकृति के ऋण से उऋण हो पाएंगे। तो यही आपसे प्रार्थना है कि आप इसको जरूर अपनाएं। जय श्री राम जी।